सर, प्राइमरी हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए आज से 4 साल पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स लॉन्च किए गए थे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था और यहाँ पर जनता को क्या सुविधाएं मिलती हैं? देखिए, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो देश की स्वास्थ्य नीति है वो 2017 में उसको संशोधित किया गया और एक नई स्वास्थ्य नीति बनाई गई। 2017 की स्वास्थ्य नीति ये कहती है कि स्वास्थ्य केवल वो नहीं है जो अस्पतालों में ट्रीटमेंट के माध्यम से दिया जाता है। स्वास्थ्य का अर्थ है वेलनेस और वेलबीइंग। इसका अर्थ ये हुआ कि स्वास्थ्य के 3 आयाम हैं, एक है प्रमोटिव, दूसरा है प्रिवेंटिव और तीसरा है क्यूरेटिव। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं वो इन 3 आयामों को एड्रेस करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं अब आपको बताता हूँ। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन प्रारंभ किया जब हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स की योजना को पूरे देश में शुरू किया गया। इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में ग्रामीण लोगों को न केवल दवाइयां फ्री मिलती हैं बल्कि डायग्नोस्टिक टेस्ट भी मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा 12 स्वास्थ्य सुविधाओं के पैकेज हैं जो मुफ्त में मिलते हैं। उदाहरण के लिए कॉमन कैंसर्स जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, कैंसर ऑफ सर्विक्स, इसकी स्क्रीनिंग मुफ्त है। हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग होती है, डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग होती है, ये भी निःशुल्क है। इसके अलावा महिला और बाल स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही साथ ईट राइट, कैसे ठीक खाना खाया जाए, ठीक आहार, उसी प्रकार से ठीक व्यवहार, योग कैसे करें, एक्टिव कैसे रहें, तो ये सभी आयाम इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में उपलब्ध होते हैं। सर, देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की शुरुआत के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कार्यक्रम आज आयोजित कर रहा है, इस संदर्भ में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। पहले तो हमें देखना है कि ये कितनी व्यापक योजना है। इसकी व्यापकता इस बात में छुपी हुई है कि जब 2018 में इसको प्रारंभ किया था तो उस समय हमारा लक्ष्य था कि दिसंबर 2022 तक, जो अभी आना है, हम 150,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू करें पूरे देश में। इस लक्ष्य के अगेंस्ट, इसके सापेक्ष, हमने अभी, आज जब हम ये संवाद कर रहे हैं, 117,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू कर दिए हैं। यानी कुल 150,000 हमें ऑपरेशनलाइज करने हैं और 117,000 हम ऑपरेशनलाइज कर चुके हैं। अब इनका महत्व क्या है? इनका महत्व ये है कि ये आम जन तक स्वास्थ्य की, जैसा मैंने बताया, प्रमोटिव, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। और आम जन मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि अगर किसी गांव में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो जो उसका पहला सबसे नज़दीक का स्वास्थ्य संपर्क है, या जिसे अंग्रेज़ी में फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं, वो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में 4th सालगिरह पर हम क्या करना चाह रहे हैं? एक लंबा कार्यक्रम प्रस्तावित है। 16 तारीख को देश भर के 1 लाख से अधिक जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं वो टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन की सुविधाएं अपने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्ध कराएंगे। अब आप इमेजिन कीजिए कि देश भर में 1 लाख से अधिक टेली कंसल्टेशन सुविधाएं आम ग्रामीण को मिलेंगी, जिसमें कि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में स्पेशलिस्ट जो कहीं दूर बैठे हुए हैं, जिला अस्पताल में बैठे हुए हैं या जिला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, उनकी राय, मशवरा, परामर्श ले पाएंगे। ये 16 तारीख को होगा। 17 तारीख को देश भर के 117,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में हम योगा के सेशन आयोजित करेंगे, योग, और योग के माध्यम से स्वास्थ्य और वेलबीइंग की ओर कैसे बढ़ा जाए।
फिर 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक देश भर में ब्लॉक लेवल पर यानी विकास खंड के स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन होगा, जिसमें हम स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में और अधिक जागरूकता उत्पन्न करेंगे आम ग्रामीण जनों के बीच। सर, आपने अभी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज के बारे में बताया। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के समक्ष एक गंभीर चुनौती बताई जाती है कि दूर दराज के क्षेत्रों में आवश्यक संख्या में डॉक्टर्स कई बार उपलब्ध नहीं होते। इस समस्या को दूर करने के लिए आपके विभाग ने ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन फैसिलिटीज लॉन्च की हैं। सर, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन की जो सुविधा है, ये अप्रैल 2020 में हमने प्रारंभ की थी देश भर में। ये दो माध्यमों से दी जाती है। एक है डॉक्टर और मरीज के बीच का कंसल्टेशन, जो कि ऑडियो विजुअल होता है और आईटी इनेबल्ड होता है। दूसरा डॉक्टर और डॉक्टर के बीच का कंसल्टेशन। अब मैं आपको इसका फ़र्क बताता हूँ। अगर आप शहरी क्षेत्रों में हैं तो ये माना जाता है कि आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं और आपको अपनी बीमारी या अपनी स्वास्थ्य की कंडीशन की बेहतर समझ है, तो आप अपने मोबाइल पर ई संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसको ई संजीवनी ओपीडी कहते हैं, यानि डॉक्टर और मरीज के बीच में टेली कंसल्टेशन। मरीज अपने घर पर हैं, उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना है, और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो किसी टर्शरी केयर फैसिलिटी में। दूसरा जो इसका आयाम है वो है असिस्टेड टेली कंसल्टेशन। ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। यहाँ जो ग्रामीण जन हैं वो अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आते हैं, वहाँ एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है CHO। ये डॉक्टर नहीं होता है, ये BSc नर्सिंग पास व्यक्ति हो सकता है या ये आयुष के डॉक्टर भी हो सकते हैं कुछ मामलों में। उनके साथ ये ग्रामीण बैठते हैं, अपने स्वास्थ्य की जो भी समस्या है उनको बताते हैं CHO को, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को। वो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से उस विवरण को उपलब्ध कराते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, जो कहीं दूर या तो एम्स में बैठे हुए हैं या जिला अस्पताल में हैं या मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। अब वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ये बताते हैं CHO को कि इस ग्रामीण व्यक्ति को किस प्रकार की दवा लेनी चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, क्या फर्दर टेस्ट कराने चाहिए, क्या किसी रेफरल की आवश्यकता है कि नहीं। तो ये असिस्टेड टेली कंसल्टेशन हुआ। यही व्यवस्था हम 1,00,000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में 16 तारीख को देश भर में करने जा रहे हैं। सर, आयुष्मान भारत के अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं मिशन मोड में, इनके बारे में हमें बताएं कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और भविष्य में इनके विस्तार का क्या प्लान है। आयुष्मान भारत ने देश में स्वास्थ्य की संकल्पना में एक पैराडाइम शिफ्ट उत्पन्न किया है, यानी स्वास्थ्य को देखने का और स्वास्थ्य सेवाओं को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल गया है। वो कैसे बदला है? आयुष्मान भारत में कुल 4 स्तंभों पर काम हो रहा है और एक साथ हो रहा है। पहला स्तंभ है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा स्तंभ है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को और शहरी गरीबों को भी इन पेशेंट इलाज निःशुल्क मिलता है, कैशलेस इन पेशेंट ट्रीटमेंट। यानी पहला स्तंभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति केंद्रित है और दूसरा स्तंभ सेकेंडरी और टर्शरी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति केंद्रित है। तीसरा स्तंभ है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सारी स्वास्थ्य सेवाएं एक डिजिटल इकोसिस्टम में कैसे डिलीवर की जाएं, वो उसको देखता है। और चौथा स्तंभ है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PM अभीम। ये उन इलाकों में, उन ज्योग्राफीज में केंद्रित है जहां की ऐतिहासिक रूप से स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक रहा है, जहां अस्पतालों की कमी रही है, जहां पब्लिक हेल्थ लैब्स की कमी रही है,
और इस चौथे स्तंभ के माध्यम से सेचुरेशन मोड पर ऐसे क्षेत्रों में हम स्वास्थ्य की आधारभूत संरचनाओं को तैयार करेंगे। सर, जब कोई मरीज अपना इलाज करवाने के लिए जाता है तो उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स हमारे देश में डॉक्टर के पास उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसे में सही डायग्नोसिस और सही इलाज आइदर डिलेड हो जाता है या मुश्किल हो जाता है। इस इशू को दूर करने के लिए आपके विभाग द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कीम चलाई जा रही है। सर, ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे दूर करेगी स्कीम? देखिए, ये बहुत साधारण है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रगति हुई, वैसे वैसे आज हम इस स्थिति में हैं कि हम मरीज़ के सारे रिकॉर्ड, चाहे वो उनका एक्सरे का रिकॉर्ड हो, एमआरआई का रिकॉर्ड हो, कोई उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया हो उसका रिकॉर्ड हो, तरह तरह के टीके लगवाए हो उसका रिकॉर्ड हो, इन सारे स्वास्थ्य संबंधी अभिलेखों को हम डिजिटाइज कर सकते हैं, यानी डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। ये आवश्यकता नहीं है कि अगर मरीज़ जा रहा है डॉक्टर के पास तो एक मोटा फाइल लेकर अपने साथ जाए जिसमें कागजों का पुलिंदा हो, क्योंकि अब ये सब डिजिटल रूप में रखे जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि अगर आप इनको डिजिटाइज कर देते हैं तो इनको सुरक्षित कहाँ रखेंगे? उसके लिए डिजी लॉकर की व्यवस्था सरकार ने की है। ये भी निशुल्क सुविधा है और ये किसी बैंक के लॉकर के समान है, लेकिन ये डिजिटल लॉकर है और इसमें बिना आपकी अनुमति के कोई कागजात या कोई रिकॉर्ड नहीं निकाला जा सकता है और नहीं डॉक्टर के साथ शेयर किया जा सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं हमने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत यदि मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनसे जो भी इंफॉर्मेशन, जो सूचना मांगे, वो सूचना से संबंधित डिजिटल अभिलेख मरीज डॉक्टर को उपलब्ध करा सकते हैं और डॉक्टर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उस डिजिटल अभिलेख को देख सकते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पेशेंट सेंट्रिक है, यानी बिना सिटीजन की अनुमति के, बिना पेशेंट की अनुमति के कोई भी डॉक्टर या कोई अन्य व्यक्ति उन डिजिटल अभिलेखों को नहीं देख सकता। सर, आपने जन आरोग्य योजना के बारे में बात की जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाता है। सर, इस योजना की ग्लोबल लेवल पर तारीफ भी हुई है, इसका कोई फर्दर एक्सपेंशन का या इसमें कुछ और आगे चल के क्या कुछ चेंजेस करने का प्लान है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY जिसको लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, 2018 में लॉन्च की गई थी और अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा हाउस होल्ड इससे बेनिफिट हो चुके हैं, यानी उन्होंने कैशलेस इन पेशेंट सुविधा का लाभ उठाया है। अस्पतालों में भर्ती होकर किसी ने अपने घुटने रिप्लेस कराए हैं, किन्हों ने हार्ट का बाईपास कराया है, किन्हों ने डायबिटीज़ से संबंधित इलाज करवाया है, अनेक प्रकार के इलाज, और अधिकांश इलाज ऐसे हैं जो कि किसी भी परिवार को गरीबी रेखा से नीचे पुश कर देते हैं, क्योंकि तत्काल पैसे की ज़रूरत होती है जब आप बीमार पड़ते हैं। इसमें क्योंकि कैशलेस है तो कोई पैसा नहीं देना है और ये सारे के सारे जो अस्पताल हैं ये एक उचित गुणवत्ता के हैं, उसकी जांच सरकार पहले कर लेती है उन अस्पतालों को इम्पैनल करने से पूर्व। लक्ष्य ये है कि इस 3 करोड़ के दायरे को हम निरंतर बढ़ाते रहें और उसके लिए ये भी आवश्यक है कि जो टर्शरी केयर और सेकेंडरी केयर देने वाले अस्पताल इस समय आयुष्मान भारत PMJAY योजना का हिस्सा हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाएं। जो पैकेजेस यानी जो स्वास्थ्य संबंधी इलाज हम इस योजना में कवर करते हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाएं। तो 3 तरह के फ्रंट्स पर काम किया जा रहा है। एक, लाभान्वितों की संख्या को बढ़ाया जाए। दूसरा, इस प्रकार की कैशलेस सुविधा देने वाले अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाए। तीसरा, इस कैशलेस सुविधा में जिस जिस प्रकार के इलाज कवर होते हैं जिनको हम पैकेजेस कहते हैं, हेल्थ पैकेजेस, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए।